हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक इंडक्शन के बारे में है, प्रेस्टीज इंडक्शन। ठीक है, अगर आप भी अपने घर के यूज़ के लिए इंडक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, बात करता हूँ मैं इस प्रोडक्ट की। ये इस तरह की पैकिंग में आता है। ठीक है, आपको फ्रंट में इस प्रोडक्ट की कुछ ऑप्शन दिखा देता है कि ये किस तरह से यूज होगा, और ये 1 साल की वारंटी के साथ में आता है। इसका जो मॉडल नंबर है PIC 16.0। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी सेविंग है, इको फ्रेंडली है, इजी मेंटेनेंस है, हेल्दी है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है इसके अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में मेन्यू ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि आपको जैसे कि आपके कुकर आप इसके ऊपर रखते हो, प्रेशर कुकर या कुछ और भी, तो वो जैसे मैं प्रोडक्ट ओपन करूँगा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। ठीक है, और ये जस्ट इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बताई हुई है, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसमें आप प्रोडक्ट पे देखोगे बैक साइड नीचे साइड में। ठीक है, तो ये इसका इंडक्शन का मॉडल नंबर दिया हुआ है, कुक टॉप PIC 16.0। इसके अंदर में एक ही यूनिट मिलती है जो एक प्रेस्टीज इंडक्शन होता है। इसका जो MRP बॉक्स के ऊपर मेंशन है वो 3295 3,295 रुपये है। ठीक है, ये 1600 वाट या 230 वोल्ट पर सपोर्ट करता है ये। ठीक है, इसके साथ में 1 साल की वारंटी आती है, 230 वोल्ट इसी पे ये सपोर्ट करता है। पावर वोल्ट जो पावर कंज्यूम करता है, 1600 वोल्ट की पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, आइए खोलते हैं इस प्रोडक्ट को और देखते हैं इस प्रोडक्ट में अंदर क्या क्या है। वैसे मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में एक बार बताना चाहूँगा कि मैं इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और ये लगभग 2 साल हो गए मेरे को उस प्रोडक्ट को खरीदे हुए। अभी कभी यूज़ मतलब यूज़ करता हूँ तो मेरे को अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप देख सकते हैं इसके बारे में, जाना माना ब्रांड है ये। इस तरह की पैकिंग आता है, इसके यूजर मैनुअल भी आते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहें ये प्रेस्टीज के अदर प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने। ठीक है, ये इसका जो वारंटी कार्ड है इसी के अंदर में आपको वारंटी कार्ड भी मिलता है, डेट ऑफ परचेज वगैरह मेंशन करनी होती है इसमें। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। ठीक है, आपका जो मेन जो इंडक्शन है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अगर आप पीछे देखोगे तो इसमें एक एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है जो इसकी हीट को बाहर निकालता है। 4 यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट दिए हुए हैं रखने के लिए। ठीक है, इसके अंदर में ये एक कोर दी हुई है, अच्छी क्वालिटी कोर है ये 1 मीटर से ऊपर की कोर है इसके अंदर में। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको जस्ट आप जब भी इसको यूज़ करते हैं तो एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि इसकी जो वायर है इसके साथ टच ना करें। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ये मेन आपका जो इसके लिए आपको पता ही है कि इसके लिए कुछ अलग से इसके जो बटन बर्तन आते हैं वो अलग से आते हैं, जो आपको इसे जो वाइट सर्कल है इसके अंदर में आपको रखने होते हैं वो। ठीक है, अगर आप इसमें ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन मेंशन किए हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो प्रेशर कुकर है। जैसे आप यहाँ पे प्रेशर कुकर रखते हो और यहाँ पे जो ये ऑप्शन दबा देते हो तो ये अपने आप ही जो टेम्परेचर है अपने आप ही सेट कर लेगा ये। ठीक है, ये करी का ऑप्शन है, ये डोसा चपाती वगैरह बनाना चाहते हो तो 3rd जो बटन दिया हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए। इडली बनाना चाहते हो तो 4th, डीप फ्राई के लिए 5th, और अगर आप दूध वगैरह गर्म करना चाहते हो तो 5। ठीक है, अगर आप जस्ट नॉर्मल गर्म इसको टेम्परेचर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका जो टेम्परेचर है ये जो माइनस का साइन दिया हुआ है इससे टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, प्लस के साइन में आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि इसका जो टेम्परेचर आप सेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही ये पावर को भी कंज्यूम करेगा। और यहाँ पे एक इंडिकेटर मतलब आपको एक स्क्रीन भी दी हुई है जहाँ पे आपको ये टेम्परेचर शो कर देगा कि इसमें आपने इतने टेम्परेचर पे इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइमर भी है, आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हो कि आप इसको कितने ही देर तक के लिए चलाना चाहते हैं। ठीक है, प्ले एंड पॉज, आप यहाँ से इसको प्ले पॉज यानी कि आप इसको
ऐसे ऑन करने के बाद में भी इसको स्टॉप करना है तो यहाँ पे प्ले कर पॉज कर सकते हैं, फिर दोबारा इसको रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वार्निंग भी दी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जब भी आप इसको यूज़ करें तो जस्ट आप ध्यान रहे कि आप इसी वाइट सर्कल के बीच में ही आपका वो जो बर्तन है उसके बीच में ही रखा हो। पानी गर्म करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें पानी कैसे गर्म कितनी देर में गर्म कर देता है ये। ठीक है, मैंने जैसे ही आपको दिख रहा होगा कि एक ये इंडक्शन इंडक्शन सूटेबल बर्तन है जिसमें कि पानी गर्म हो जाएगा। और अभी जो मैं इसका टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इसका एक बार टेम्परेचर चेक करके दिखा देता हूँ कि इसका पानी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, आप इसका पानी का टेम्परेचर देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, इसका जो पानी का टेम्परेचर है 21.3, 21.3। ठीक है, 21 डिग्री टेम्परेचर है इसका पानी का। ठीक है, अगर आप इसको एक बार जैसे यूज़ करेंगे तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है पावर का बटन ऑन ऑफ करने के लिए, आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या है, इसको वार्म करना है, पानी को गर्म करना है, तो आप यहाँ पे जो कीप वॉर्म है उसको बटन को दबा सकते हैं जिससे कि पानी गर्म हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी गर्म कर दिए तो इसके टेम्परेचर को आपको बढ़ाते रहना है, ठीक है, कि इससे कि पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप ध्यान दें कि जैसे कि इसको जब भी आपको उठाना है इस यहाँ से तो आपके पास में कोई ऐसा ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि ये डायरेक्ट मत उठाइएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बिजली का उसमें अंदर में पॉइंट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में मत जाइएगा। देखते हैं कि कितनी देर में पानी को उबाल देता है, गर्म कर देता है। ठीक है, मैंने इसका जो टेम्परेचर है 200 डिग्री पे सेट कर दिया है। देख सकते हैं कि पानी में लेयर्स बनने लग गई है, तो ये गर्म हो सकता है किसी भी टाइम पे। जब भी आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसमें यूज़ करते हैं तो क्योंकि एकदम से इस पे जैसे चीज़ें ये उठाइएगा मत, अब इसके टेम्परेचर को जैसे लगता है कि ये गर्म हो गया तो इसके टेम्परेचर को कम कर दीजिएगा ताकि ये बाहर ना निकल गई इस प्लेट के ऊपर में जो इसके यहाँ पे वेसल लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है, ताकि जो आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो। ठीक है, देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर अभी कितना है। इसका देखिए, अब जब मैंने इस पर जो रखा था उस टाइम पे ये इसका टेम्परेचर 21 डिग्री था, अभी इसका जो टेम्परेचर है 50 डिग्री 50 डिग्री हो गया। ठीक है, देखते हैं इसका टेम्परेचर चेक करते रहेंगे बीच बीच में, अभी इसका टेम्परेचर 55 डिग्री हो गया, 55, फिर चेक करेंगे 62 हो गया है, क्योंकि विद इन सेकेंड इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, मतलब पानी गर्म हो रहा है इसका। अभी देखते हैं कितना हो गया, क्योंकि ये गर्म हो ही गया था, अब 68 हो गया। आपको इसका साउंड आ रहा होगा कि पानी उबल गया। ठीक है, अब चेक करते हैं कितना हो गया, 74। ठीक है, आपको इसको जब अगर आप इंडक्शन घर के लिए लेते हैं तो आपको पता है कि इसके जो बर्तन है वो अलग ही आते हैं, इसमें नीचे कुछ अभी देखते हैं इसका जो टेम्परेचर है 82 हो गया है। देखिए, पानी उबल गया था, अब क्या करिए, इसके जो टेम्परेचर है उसको कम कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने टेम्परेचर कम किया, मैं 60 टेम्परेचर पे ले आया हूँ, तो देखो अब ये पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो आपका जैसे कि कोई प्लेट पे गिरने का खतरा नहीं रहेगा आपको। ठीक है, 60 में आपको क्या होता है कि बिजली में आपको इसके अभी देखें इसका टेम्परेचर कितना हो गया, तो ये 84 डिग्री पे देख सकते हैं, 84 डिग्री पे ये पानी गर्म कर दिया इसने
जब हमने रखा था तो ये 20 डिग्री था, अभी 84 पे इसने पानी गर्म कर दिया है। अब इस पे मैंने जब इसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल जस्ट मैं बेस पे ले आया हूँ 60 डिग्री पे, तो ये पानी बाहर नहीं निकलेगा और ताकि आपकी प्लेट खराब ना हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बढ़ाना है तो आप इसके टेम्परेचर को जस्ट ये प्लस बटन से इसके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कम करना है तो कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको बंद करना है तो आप इसको, जैसे कि आपका पानी गर्म हो गया तो आप इसको ये जो पावर बटन दिया हुआ है यहाँ पे इसका बटन बंद कर सकते हैं तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका जो नीचे आप साउंड सुन रहे होगे वो फ़ैन है इसका नीचे, जो जैसे ये गर्म होता है तो इसका एग्जॉस्ट फैन जो नीचे लगा हुआ है साथ साथ चलता रहता है, इसकी हीट को बाहर निकालता रहता है। ठीक है, पानी गर्म हो गया है, इसको जस्ट आपको बंद, ध्यान दीजिए कि जब भी आप इस पे से उठाओ तो ये बंद कर देना। ठीक है, अभी इस पे प्लेट पे आप हाथ मत लगाइएगा क्योंकि ये गर्म भी हो सकती है, जलने का खतरा वगैरह है, तो आप इसको मतलब गर्म करने के तुरंत बाद इसकी प्लेट पर हाथ मत लगाइए। और इसकी अगर आप इसको पैक करके रखना भी चाह रहे हो तो ध्यान रहिए कि जब स्टार्टिंग में इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, ठंडा होने के बाद में आप इसको बंद करके रख दें। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसका पावर ऑफ कर दिया है तो ये बंद हो गया अभी। ठीक है, वैसे जो मैं इसका टच करके देख रहा हूँ ये प्लेट इसकी इतनी गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा कि इसकी प्लेट वगैरह को हाथ मत लगाइएगा। ठीक है, जैसे कि ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप इसमें बहुत सारी कंपनियों के और भी आते हैं, अगर आप उनको एक बार इसके साथ में कंपेयर करना चाह रहे हैं तो लेने से पहले उनको भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को, जैसे कि मैं अपना पर्सनल यूज़ से बता रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ घर के लिए। आज का जो मेरा वीडियो था ये बस यहीं तक था। बताइएगा अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।